सो फ्रेंड्स, टिकटॉक आने के बाद कुछ बिके या ना बिके, कुछ साइड इफेक्ट हो या ना हो, कुछ एडवांटेज हो ना या ना हो, बट रिंग लाइट जो है खूब बिके है। और रिंग लाइट के चलते हम लोग बहुत सारे दोस्तों जो है प्रोफेशनल्स या फिर बिगिनर्स, यूट्यूबर्स, फोटोग्राफर्स जो है सभी दोस्तों जो है बेनिफिट हुए हैं। और रिंग लाइट कुछ ऐसा चीज़ है कि ये इवनली जो अब जो सब्जेक्ट के ऊपर जो है लाइट बरसाता है, तो इसके चलते आप लोग जो है बहुत ही अच्छे फोटोज या फिर वीडियोज निकाल सकते हैं। आज के ये वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले बहुत ही बजट सेगमेंट के एक जो है इंडियन मेड रिंग लाइट के ऊपर, जो कि आता है ओसाका के कंपनी के तरफ से। मैं आप लोगों को जो है पैकेज दिखाता हूँ कैसे दिखता है। ये दोस्तों पैकेज है और इसको जो है हम लोग अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये दोस्तों लाइट जो है परफॉर्म कर रहा है। आगे वीडियो को देखते रहिए। और ये हम लोग का चैनल के ऊपर जो है पहला अनबॉक्सिंग होने वाला है, तो खूब सारा जो है इसको लाइक दीजिए। और अगर आप लोगों को चैनल को पसंद आता है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आपको पहुंच सके। और मैं बहुत दिन बाद एक जो है गैप में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जो है बिज़ी हो गया था अपने लाइफ में काम के ऊपर। दोस्तों मेरा ये यूट्यूब छोड़ के बहुत सारे काम भी होते हैं, उसमें थोड़ा दोस्तों जो है व्यस्त हो गए थे हम। तो अभी दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस डालने के लिए। और अभी दोस्तों जो है लाइटिंग सेटअप भी जो बहुत ही इम्प्रूव होने वाला है, तो आने वाले वीडियोज़ में आप लोग देखें कि मैं बहुत अच्छे अच्छे लाइटिंग के साथ जो है एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों को देने के लिए कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे कि मैं कैसे अनबॉक्स करता हूँ लाइट को और लाइट का दोस्तों जो है परफॉर्मेंस कैसे होने वाला है। तो आज पूरा वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जाते जाते एक बार एक लाइक दबा ही दीजिए, ताकि हम लोग को और भी मोटिवेशन मिल सके अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कुछ ऐसा दिखता है रिंग लाइट का बॉक्स जैसा, आप देख लो देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पर दोस्तों को ब्रांडिंग मिल जाता है ब्रांड का, और यहाँ पे एक कोने में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, जो कि ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली मेड इन इंडिया है। और ओसाका एक बहुत ही अच्छा ब्रांड आप मान सकते हैं, क्योंकि इनके जो लाइट्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और क्वालिटी वाइज मेरे को पैकेजिंग काफ़ी अच्छा लगता है। इसके लाइट रिंग लाइट के साथ आप लोगों को एक जो है यह स्टैंड मिल जाता है, जो कि काफ़ी हेवी है और आराम से 2-2.5 किलो का हो सकता है ये स्टैंड। और ये दोस्तों पूरा मेटल बिल्ट है ये स्टैंड का। इसको भी मैं अनबॉक्स करूँगा थोड़ी देर में, तो पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर के कंटेंट्स क्या है। ये दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं ये एक रिंग लाइट है। इसमें आप लोगों को 3 मोड्स मिल जाते हैं कलर के, जो कि एक वार्म है और एक कोल्ड लाइट है, और एक मिडिल वाला जो मोड है वो है मिक्स लाइटिंग, जो कि आप लोगों को नेचुरल लाइटिंग देगा। इसका मैक्सिमम आउटपुट जो है वो 15 वाट्स के आता है। और इनमें इसमें आप लोगों को जो है 3-4 सारे जो है स्विचेस मिल जाते हैं लाइट के पीछे, जिसके साथ आप लोग जो है इसके ब्राइटनेस को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ जो है इसको पावर ऑन ऑफ या फिर कलर मोड जो है चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को अटैच्ड आता है USB-A केबल, जो कि कोई भी वॉल अडेप्टर से आप लोग जो है कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी मोबाइल अडेप्टर से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरे को जो है काफ़ी पसंद आया ये पैकेजिंग इन लोगों का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक कोई भी ब्रांड के कोई भी प्रोडक्ट के अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छे हो ना, तो वो ब्रांड की तरफ दोस्तों और भी अट्रैक्ट हो जाते हैं बाकी सब। तो इसको खोलते और देखते इसके पैकेजिंग के अंदर क्या है। काफ़ी सिंपल से पैकेजिंग है, लेकिन दोस्तों अच्छे है। और खोलना भी इसको दोस्तों काफ़ी हद तक जो है इजी है। खोलते ही हम लोग को पहले मिल जाता है हम लोग का रिंग लाइट, और इसके अंदर शायद से वारंटी कार्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है। अगर इस नंबर पे आप लोग जो है अपना इनवॉइस मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर मेल कर सकते हैं, तो इन लोग जो है 6 मंथ तक एक्स्ट्रा जो है वारंटी दे देता है। इसके साथ ही आप लोगों को मिल जाता है मेन जो हम लोग का चीज़ है वो है रिंग लाइट, कुछ देख सकते हैं आप ऐसे है। और इसके साथ ही आप लोगों को जो है USB पावर केबल मिल जाता है, जिसके साथ ये जो है पावर ऑन ऑफ होता है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और देखते हैं बाकी बॉक्स कंटेंट्स में आप लोगों को क्या मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सब चीज़ बहुत ही अच्छे से पैक्ड किया हुआ है आप लोग अगर देख सकते हैं तो। और ये दोस्तों एक मोबाइल होल्डर है, जो कि काफ़ी मदद करेगा आप लोगों को वीडियो शूट करने में। इसके साथ ही आप लोगों को एक जो है ट्राइपॉड माउंट मिल जाता है, कोई भी ट्राइपॉड में आप लोग दोस्तों जो है फिक्स कर सकते हैं इसको। इसके साथ ही एक मोबाइल फोन होल्डर जो है
आप लोग इसके साथ इसको जो है माउंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को जो है वारंटी कार्ड भी मिल जाता है, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छे क्वालिटी का लगता है इसके पैकेजिंग। और ये दोस्तों पूरा बबल रैप होके जो है आता है। तो पीछे आप लोग अगर देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को चार बटन मिल जाते हैं, एक पावर ऑन ऑफ करने के लिए, एक ब्राइटनेस लो करने के लिए, एक ब्राइटनेस हाई करने के लिए, और मिडिल वाला जो बटन है वो लाइट मोड जो है चेंज करने के लिए। नीचे आप लोगों को जो है ये ट्राइपॉड होल्डर के लिए पिन मिल जाता है, और ऊपर जो है मोबाइल होल्डर के लिए पिन मिल जाता है। क्वालिटी वाइज मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है ये जो है रिंग लाइट का बेसिकली जो सेटअप है। यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आ रहे, कोई भी लूज एंड्स नहीं है, और काफ़ी जो जितने सारे स्क्रूज जितने हैं वो बहुत सारे अच्छे से फिक्स्ड हुए। केबल हालांकि दोस्तों थोड़ा चीप लग रहा है मेरे को, ये अगर ब्रेडेड होता या फिर थोड़ा दोस्तों जो है वो रीइंफोर्स्ड होता तो और भी बढ़िया होता। इसके साथ आप लोगों को कोई भी पावर अडेप्टर नहीं मिलता है, तो आप लोगों को जो है 5 वाट या फिर 10 वाट के अंदर जो भी मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है, जो कि USB-A टाइप का आता है, उससे आप लोग दोस्तों इसको जो है पावर ऑन कर सकते हैं। तो अभी जो है इसको अनबॉक्स करेंगे। इसका जो स्टैंड है आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है, और ये शायद 9 फीट तक जाता है। तो आप लोग दोस्तों जो है कोई भी हाइट में इसको सेटअप कर सकते हैं, और ये काफ़ी भारी जो है एक बहुत ही स्टैंड है, और पूरा को जो है मेटल बिल्ट है। तो इसको खोलते और देखते ये स्टैंड कैसे आता है। और इसको ऊपर जो है हम लोग ट्राइपॉड माउंट कर सकते हैं, ऐसे ये ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन मेरे को अभी इतना हाइट नहीं चाहिए तो यही काफ़ी ठीक है। और इसके अंदर ये भी लॉक कर देते हैं, और इसका अंदर शायद ये कैप लगा हुआ था, और ये है हम लोग का रिंग लाइट। तो इसके ऊपर पहले इसको फिक्स कर लेते हैं, शायद दूसरा कुछ भी ब्रैकेट है, माउंट है इसको लगाने के लिए। मैं एक बार देख लेता हूँ मैनुअल में, और ये कुछ ऐसे दिखता है। इसके अंदर हम लोग जो है फ़ोन का जो ये टी माउंट भी होल्ड कर सकते हैं, ये शायद DSLR के लिए होगा। और इसके साथ माउंट करने के लिए ये यूज़ करना पड़ता है हम लोगों को, और ये तो फ़ोन माउंट है, इसको बहुत ही इजीली आप लोग जो है इस पर माउंट कर सकते हैं। तो एक बार मैं रिंग लाइट चालू करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी जो देख सकते हैं आप लोग कि ये बेसिक लाइटिंग है मेरे रूम के, तो दो बस ट्यूबलाइट जल रहे हैं। और इसके बाद जो है मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि रिंग लाइट जो है जला के कितना ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट पड़ता है हम लोगों के वीडियो क्वालिटी के ऊपर। इसका जो लाइट है ये हम लोग चेंज कर सकते हैं ये कोई भी लाइट पैटर्न में। ये दोस्तों वार्म लाइट हो गया, और ये दोस्तों बहुत ही कूल लाइट है, और ये एक मिक्स्ड लाइटिंग है वाइट और वार्म लाइट के अंदर, येलो के अंदर। तो ये दोस्तों बहुत ही नेचुरल है, और बहुत ही अभी दोस्तों फुल ब्राइटनेस पे है, तो आप देख सकते हैं मेरा फेस के ऊपर जो है डायरेक्टली पड़ रहा है, बहुत ही हार्श लाइटिंग हो जा रहा है। तो इसको दोस्तों हम लोग जो है थोड़ा घटा लेते हैं, ये सही है थोड़ा बहुत। तो जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक लाइट बन जाता है, पीछे मेरे फेस भी लिट हो जाता है। और इसको आप लोग जो है हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर हाइट से भी जो लाइट जो है पड़ा सकते हैं। और हम लोग अगर सारे रूम के लाइट ऑफ कर दें एक बार, तो और फिर देखते हैं एक बार कि कैसे लाइटिंग आता है। और ये जो है अभी मैक्सिमम ब्राइटनेस पर जो है सेट है, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी एक डिसेंट लाइटिंग दे रहा है ये पूरे रूम को। और ये 10 इंचेस के होने के चलते थोड़ा बहुत मेरे को लाइट कम लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग बहुत ही बड़ा लेते हैं जैसे कि 18 इंच या फिर 12 इंच, तो उसमें थोड़ा बहुत दोस्तों लाइट जो है और भी ज़्यादा आता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि मैंने अनबॉक्स किया प्रोडक्ट को, और काफ़ी सारे चीज़ जो है इसके साथ आते हैं। एक माउंटिंग ब्रैकेट आता है, एक जो है मोबाइल होल्डर आता है, और एक ट्राइपॉड माउंटिंग ब्रैकेट भी आता है। और ये आप लोग देखें कि पैकेजिंग का क्वालिटी दोस्तों जितना कितना अच्छा है, और कितने अच्छे से दोस्तों जो है पैकेट किया गया था सभी प्रोडक्ट को। और मेरे को रिंग लाइट के बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और आप लोग अगर देख सकते हैं अभी मेरे फेस के ऊपर जो है से रिंग लाइट पड़ रहा है, और काफ़ी अच्छे दोस्तों आप लोग को जो है रिजल्ट निकल के आ रहा है। मैं खुद यहाँ पे मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकता हूँ कि मेरे फेस दोस्तों कितना अच्छे से लिटअप हुआ है, और वीडियो में दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है।
तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो को आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दबा दीजिए, क्योंकि एक लाइक दोस्तों जो हम लोग को बहुत ही मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।